हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस की थर्ड कैटेगरी मानी जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो जाने की बात की जाती है और इसके हिंदी वाक्यों का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्दों पर होता है, जिससे इसकी पहचान की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहली, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम हैज एंड हैव का यूज करेंगे, और दूसरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी रूल्स और सेंटेंसेस। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, किस प्रकार हम इसे बनाएंगे। जी हाँ, इसमें सबसे पहले शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से, एंड आई होप आप सभी को मालूम होगा कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों ही वर्ड्स आ सकते हैं। इसके बाद हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, जिसमें हैज़ का यूज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ किया जाता है, जबकि हैव का यूज़ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे He has filled his application form, यानी उसने अपना आवेदन पत्र भर दिया है। सेंटेंस की पहचान हम कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले लगाया गया है प्रोनाउन वर्ड ही एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगानी है मेन वर्ब, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब यूज की गई है फिल्ड, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद लगाया गया है हिज एप्लीकेशन फॉर्म, यह ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्ट एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस। दे हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, यानी वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हमने लगाया है प्रोनाउन वर्ड दे एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज किया है हैव हेल्पिंग वर्ब। हैव के बाद हमें लगाना है मेन वर्ब, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब लगाई गई है रीच्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब मेन वर्ब के बाद हमें लगाना है लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऐड किया गया है डियर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जबकि डियर इनडायरेक्ट। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस के ये एग्जांपल्स जरूर समझ में आए होंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं अगला सेंटेंस, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, सबसे पहले लगाया जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ऐड की जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है नॉट। नॉट के बाद लगाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा एज यूजुअल। आइए नेगेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। सेंटेंस देखिए, She has not participated in singing competition, यानी उसने गायन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने she प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाई गई है हेल्पिंग वर्ब has, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, यानी negation के लिए not लगाया है। Not के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म participated, और वर्ब के बाद लास्ट में ऐड किया गया है ऑब्जेक्ट, जो कि है इन सिंगिंग कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस केवल नॉट का होता है, जिसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं।
आइए देखते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस, जैसे द स्टूडेंट्स हैव नॉट प्रिपेयर्ड देयर असाइनमेंट, यानी विद्यार्थियों ने अपना असाइनमेंट तैयार नहीं किया है। इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले लगाया है द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, जो कि नाउन वर्ड है। इसके बाद यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब हैव का। हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज़ किया है नॉट, और नॉट के बाद लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। लास्ट में दियर असाइनमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाएंगे। सबसे पहला देखते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी हैज़ एंड हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद लगाया जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चूंकि प्रश्न पूछा जाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका है WH वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जिसकी शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे। उसके बाद लगाया जाएगा हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिए गए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं, हैज़ ही कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट टुडे, यानी क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जी हाँ, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमने सबसे पहले की है हैज़ हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद लगाया है हमने ही प्रोनाउन वर्ड एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज़ की गई है मेन वर्ब, जो कि है यहाँ पर कम्प्लीटेड, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की गई है, और वर्ब के तुरंत बाद हमने ऐड किया है हिज असाइनमेंट टुडे ऑब्जेक्ट। चूंकि यह प्रश्न है, इसीलिए हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हेन हैव दे मेड डिनर फॉर टुडे, यानी उन्होंने आज के लिए रात का खाना कब बनाया। इस सेंटेंस की शुरुआत हमने सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से की है, जो कि है व्हेन। व्हेन के बाद लगाया है हेल्पिंग वर्ब हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यूज़ किया है दे प्रोनाउन वर्ड एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड का यूज़ किया है, और लास्ट में इसके बाद हमने लगाया है डिनर फॉर टुडे ऑब्जेक्ट। याद रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी होता है। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट का डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसमें हम नॉट लगाएंगे। सेंटेंस में सबसे पहले लगाया जाएगा हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद लगाया जाएगा हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के इन स्ट्रक्चर्स को हम अब सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, हैव यू नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। जी हाँ, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले शुरुआत की है हेल्पिंग वर्ब हैव से। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है सब्जेक्ट यू, जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यानी निगेशन के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगाई जाएगी, जो कि है कम्प्लीटेड, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, और वर्ब के तुरंत बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पर योर होमवर्क। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हाई हैज़ शी नॉट स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स, यानी उसने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन क्यों नहीं किया है। जी हाँ, इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमने की है WH वर्ड वाई से। उसके बाद हमने लगाया है हैज़, जो कि है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद शी सब्जेक्ट का यूज़ किया है, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यानी निगेशन के लिए नॉट लगाया है। नॉट के बाद हमें लगानी है मेन वर्ब, और यहाँ पर मेन वर्ब है स्टडीड जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और इसके बाद हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट जो कि है हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स। जी हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। आशा करती हूँ आप सभी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने प्रेजेंट टेंस सीरीज़ के स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं, सो नॉट टू वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियोस के लिंक चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।